सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक कल्पनाथ पासवान विधानसभा में फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब एक महीने पहले उनके 10 लाख रुपए चोरी हो गए थे, लेकिन अब तक पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर पाई है। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है। वहीं इस मामले में एसपी नगर कमलेश बहादुर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। 10 लाख रुपए था मान्यवर, मैंने जिंदगी में 10 लाख रुपया नहीं देखा था। अगर विधायक नहीं होता मान्यवर, मैं 10 लाख रुपया नहीं दे पाता। मैं तुरंत गया अटैची खोला रुपए, मैंने उस पानी से कहा मान्यवर मैं 10 लाख रुपए लेके आया था छात्र लगवाने। सिस्टम की सुस्ती से परेशान गरीब चेहरे तो आपने बहुत देखे होंगे, पर सदन में विधायक को कार्रवाई नहीं होने के गम में रोते देखा है? नहीं देखा तो देखिए कल्पनाथ पासवान को। 12:30 बजे मान्यवर, 12:30 बजे रात तक मैं अनुनय बिनय प्रार्थना करता रहा, कुछ नहीं सुना। सदन में कार्रवाई के दौरान कैसे फूट फूट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, चोरी सह नहीं पा रहा हूँ, मैं चोरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, रात दिन नींद नहीं आ रही, मैं बहुत दुखी हूँ। मान्यवर मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैंने कभी इतनी रुपया नहीं देखा था। भगवान हनुमान की कृपा हो गई कि मैं विधायक हो गया, ये 10 लाख रुपया मान्यवर देख लिया। अब आपको पूरा माजरा समझाते हैं। बीते 22 दिसंबर को विधायक जी होटल गरुड़ में ठहरे हुए थे। विधायक का आरोप है कि वो लखनऊ से 10 लाख रुपए लेकर आए थे और घर जाने के पहले शहर के एक होटल में रुके थे और उस होटल के नौकर को रुपए से भरा सूटकेस रखने को दिया। जब वो घर पहुंचे तो देखा सूटकेस में पैसा नहीं था। ए नगर से माननीय विधायक जी हैं कल्पनाथ पासवान जी, इनका इन्होंने एक तहरीर दी थी कि लखनऊ से 10 लाख रुपए लेकर के ये आए थे, यहाँ पर गरुड़ होटल है उसमें रुके थे, वहाँ से जब घर वापस गए तो इनका पैसा टैची में नहीं मिला। इस संबंध में तहरीर इनके द्वारा दी गई थी, उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही है, विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं होटल मालिक विजेंद्र सिंह ने कहा कि विधायक जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और ये आरोप निराधार है। विधायक जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और इस तरह का आरोप एकदम बिल्कुल निराधार है। मेरी न विधायक जी से मुलाकात हुई थी और मैं बाहर था, मैं था भी नहीं। इसकी जांच चल रही है, जो भी घटना सही होगी उसका खुलासा होगा और हमें पूरा विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मामले की सच्चाई तो बाद में सामने आएगी, पर सिस्टम की सच्चाई तो अब सबके सामने है, जिसकी बेरुखी अभी तक गरीबों को आंसू बहाने को मजबूर कर देती थी, चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस जाती थी और अब माननीय को भी रुला रही है, वो भी बीच सदन में। सुधीर सिंह, भारत समाचार, आजमगढ़। गरीब हूँ मैं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ मेरा रुपया दिलवाई दे मान्यवर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा मान्यवर। मेरे साथ सूरज शर्मा, इतना ही, आप देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।